जी ये रास्ता जा रहा है मणिकरण, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है, तो हमने गाड़ी बहुत आगे पार्क कर दी है एंड हम चल चल के जा रहे हैं टूवर्ड्स मणिकरण गुरुद्वारा, जो कि यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर होगा। एंड ये विशाल पहाड़ आप देखो, किसके बीच में गुरुद्वारा बसा हुआ है, मणिकरण गुरुद्वारा। तो जी ये वो स्थल है जहाँ पे नेचुरल गर्म पानी ही होता है एंड यहाँ पे आप नहा सकते हैं, बट पानी काफ़ी गर्म है तो मुश्किल है, बट जिनको नहाना है वो एटलीस्ट या हाथ में धोने हैं वो चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे। वहाँ सारे लोग अपना कुंड के अंदर हाथ डाल रहे हैं एंड अपना मुंह धो रहे हैं, बिकॉज बहुत ही बढ़िया पानी है। यहाँ पर आप उतारते अपने जूते एंड उसके बाद आप जाते हैं यहाँ से अपना गुरुद्वारे की तरफ। तो जी अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकने के लिए एंड अच्छी फील आती है यहाँ पे आके, दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे गुरुद्वारा है जहाँ अभी हमने मत्था टेका, और अगर मैं आपको ये दिखाऊं मेरे पीछे, तो ये वही हॉट वाटर सल्फर है जो कि नेचुरल पानी है, जो कि बहुत ही गर्म है और ये 2400 घंटे 365 डेज ये निकलता ही रहता है, गर्म ही रहता है। ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है ये इस जगह का, मणिकरण का। अगर आपको ये पसंद आया जो मैंने आपको दिखाया अभी, तो एक बार लाइक कर देना, अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं गुफा के अंदर, यहाँ पे एक मंदिर है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और ये है भोले बाबा का मंदिर, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। कहा जाता है कि पार्वती जी और शंकर भगवान यहाँ पे आके विश्राम कर रहे थे, और पार्वती जी का कुछ अंगूठी या कान का कुछ गिर गया था, तो उसी के बाद उसका नाम मणिकरण पड़ा, बिकॉज वो मणि जी के पास था। तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा, जिनको जानना है इस तीर्थराज श्री मणिकरण के बारे में, एक बार पॉज करके इसको पढ़ ज़रूर ले। जो लोग आ नहीं पाते हैं वो एटलीस्ट पढ़ तो पढ़। कहते हैं कि अगर आप यहाँ अपने पैर डालते हैं तो जो भी स्किन डिजीज़ होती हैं वो एकदम से सही हो जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने पैरों को ऐसे डाल के, मज़ा आ रहा है, अच्छी फीलिंग।
डाल दे भाई डाल दे, नीचे बैठो ना। क्या हो गया? चावल बन रहा था। रास्ता टू एक्सप्लोर के माध्यम से आज हमने दिखाया कि मनीकरण में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक एंड गिव द थम्स अप। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय भोले।